गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 किया था, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, पहले तो हम लोग शेप समझ लें कि शेप्स क्या हैं, तब एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो सॉलिड शेप्स में सबसे पहले हम लोग क्यूब की बात करते हैं। क्यूब देखो ऐसा होता है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा डाइस, लूडो खेलते हो ना, उसमें जो डाइस होता है वो क्यूब की शेप का होता है, जिसमें सारी चीज़ें बराबर होती हैं। फेस होते हैं उसमें, फेस कितने होते हैं उसमें, उसमें फेस जो होते हैं वो 6 फेसेस होते हैं। जैसे ये देखो, ये फेस है, ये फेस है ना, 6 फेस होते हैं। और एज, ये जो लाइनें जिसको बोल रहे हैं, ये एजेस हैं। एजेस तुम्हारी 12 होती हैं और वर्टेक्स 8 होते हैं। वर्टेक्स जहाँ पर ये लाइनें आके मिल रही हैं, कॉर्नर, ये वर्टेक्स हैं। देखो ये क्यूब जो डाइस खेलते हैं ना, ये क्यूब की है ना। आइस क्यूब, बर्फ मम्मी जमाती है फ्रिज में, वो छोटी छोटी होती है ना, वो क्यूब होती हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड तो आप लोगों ने देखा होगा, क्यूबॉइड आपका पेंसिल बॉक्स भी हो सकता है ना, कोई बॉक्स भी हो सकता है। देखो मैं यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाता हूँ, देखो ये जैसे ये बॉक्स है, ये क्यूबॉइड की शेप का है। अब इसमें फेस देखो, ये फेस है, ये एक फेस है ना, वन फेस, इसी के साथ नीचे भी एक फेस है। अब देखो एक फेस ये है ना, इधर भी एक फेस है, ये एक फेस है, और एक है, 6 फेसेस हो गए। एजेस कितनी है, देखो ये एज ये है, ये जहाँ पर दो फेस आकर के मिल रहे हैं, ये जो लाइन जो बनी है ना, ये एज कहलाती है, और ये वर्टेक्स कहलाता है। इसमें 6 फेसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं। ठीक, अब देखो सिलेंडर, सिलेंडर आप लोगों ने घर में देखा है, सिलेंडर होता है ना, आप गैस का सिलेंडर, वो सिलेंड्रिकल शेप हो गई। कोका कोला की बोतल आती है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, वो सिलेंड्रिकल शेप होगी। आपकी पेंसिल, दिस इज़ आल्सो अ सिलेंड्रिकल शेप। तो इसमें देखो एक ये फेस है ना, एक फेस ये है, ये नीचे, ठीक ये है ना, और एक फेस अगर यहाँ पर प्लेन होता तो यहाँ पर फेस है, तो 3 फेसेस हो गए। एजेस कितनी होगी, 2, एक ये और एक यहाँ, 2 एजेस है। वर्टेक्स यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक, कौन, आइसक्रीम आप लोग खाते हो, ठीक है, बर्थडे कैप हो गई, ये सब कोन की शेप है। इसमें एक वर्टेक्स, 2 फेसेस, एक कर्व फेस, एक प्लेन फेस और एक एज होती है। स्फीयर, बॉल, आप लोग बॉल से खेलते हो ना, फुटबॉल हो गई, कोई भी बॉल हो गई, टमाटर हो गया, फिर एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब स्फीयर की शेप है। इसमें एक फेस होता है, कोई एज नहीं होती है और कोई तुम्हारा वो उसका नाम क्या है, वर्टेक्स नहीं होता। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बेटा 10.3। इसमें करना है कि लुक एट योर सराउंडिंग एंड नेम वन ऑब्जेक्ट क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, अपने आसपास देखो और एक ऐसे क्यूबिकल ऑब्जेक्ट की बताओ, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताओ जो क्यूबिकल हों या स्फेरिकल हों, जो भी हों। तो डाइस है ना, ये तुम्हारा हो गया वन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बॉल, ठीक हो गया, वन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पेंसिल, और वन क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया पेंसिल बॉक्स, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब जैसे क्यूब है तो उसमें कितने फेसेस हैं, आपको मैंने भी बताया था उसके 6 फेसेस होते हैं 6 फेसेस, यहाँ 6 लिख देंगे हम लोग। अब उसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, उसमें वर्टेक्स 8 होते हैं, तो यहाँ 8 लिख देंगे। एजेस कितनी होती हैं, 12, तो यहाँ 12, ठीक। क्यूब और क्यूबॉइड में फेस, वर्टेक्स, एज सब समान होती हैं, बस अंतर ये होता है कि इसमें सब बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं होता है। तो 6 फेसेस, वर्टेक्स 8, 12 एजेस। कोन, फेस कितने होते हैं, एक ये स्फेरिकल और एक नीचे, 2 फेस होते हैं। वर्टेक्स ही ऊपर वाला है, सिर्फ एक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1, और एजेस कितनी है, 1। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल में 3 फेसेस होते हैं, वर्टेक्स एक भी नहीं होता, तो यहाँ पर NO कोई नहीं है। और एजेस कितनी है, 2। स्फीयर, फेस 1 है, वर्टेक्स एक भी नहीं है और एज एक भी नहीं है, ठीक है। ये
ये आपकी बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ रोल करती है, मतलब रोटेट होती है, रोल होकर के आगे बढ़ती है, और कौन सी चीज़ स्लाइड करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय।